रोबोट वेन डायग्राम भी बोलते हैं, तो एलआर में इसका इम्पोर्टेंस कुछ ऐसे होता है, क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा कुछ पॉइंट से। लेट्स से जब आपको बोलते हो एग्जाम्पल, आपको लेके रखा है, लेट्स से आपको लिखा है सम सिंगर्स आर डांसर्स। अब पहले कि सम सिंगर्स आर डांसर्स को पहले रिप्रेजेंट कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे। सेकेंड, इसके कंक्लूजन्स क्या क्या निकल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सम सिंगर्स आर डांसर्स, तो बेटा अगर मैं एक गोला बनाऊं सिंगर्स का, ये दिस इज सिंगर और ये क्या है डांसर्स, सिर्फ मैं बोलूंगा आपको देखते हैं, और यहाँ पे क्या है वो सिंगर जो है वो जो सिंगर और डांसर दोनों सिंगर एंड डांसर, सम सिंगर्स आर डांसर्स। तो इससे मेरा पहला कंक्लूजन नंबर वन तो ये निकलता है, पहला सम सिंगर्स आर डांसर्स, तो यही की बोलूंगा सम सिंगर्स आर नॉट डांसर्स, सीधी बात है सम सिंगर्स आर नॉट डांसर्स, क्या ये कंक्लूजन राइट है। सेकेंड बोलूंगा, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर सम सिंगर्स आर डांसर्स मीन्स सम डांसर्स आर सिंगर्स, भाई सम सिंगर्स डांसर्स है इसका मतलब डांसर्स क्या है सिंगर्स, तो क्या सेकेंड कंक्लूजन सम डांसर्स आर सिंगर्स, सम डांसर्स आर सिंगर्स, सम डांसर्स आर सिंगर्स। जैसे ही तुमने बोला सम डांसर आर सिंगर्स, तो आप ये बोल सकते हो सम डांसर्स आर नॉट सिंगर्स। तो सर इससे तो एक बात समझ में आ गई, तीन अच्छे कंक्लूजन आए जब आपको बोला सम सिंगर्स आर डांसर्स। स्टेप वन आप डायग्राम बनाए, स्टेप वन आप क्या बनाएंगे डायग्राम, तो आपको ये बन गया सिंगर है क्या तुम्हारे डांसर्स। तो पहला कंक्लूजन सम सिंगर्स आर डांसर्स, तो कुछ सिंगर और डांसर जो दोनों हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे भी तो हैं जो सिंगर तो हैं पर डांसर नहीं है, ठीक है। फिर क्या सम डांसर्स आर सिंगर्स, यस सम डांसर्स आर सिंगर्स, लेकिन कुछ ये भी तो एरिया है सम डांसर्स आर नॉट सिंगर्स। सर दीज आर राइट कंक्लूजन, दीज आर राइट कंक्लूजन मीन्स जो है सर एग्जाम में क्या पूछेगा कुछ रॉन्ग कंक्लूजन देंगे। अगर आपको रॉन्ग कंक्लूजन भी समझना पड़ेंगे तो कौन कौन से रॉन्ग कंक्लूजन हो सकते हैं। अगर स्टेटमेंट दी है सम सिंगर्स आर डांसर्स, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, पॉसिबल ही नहीं ऑल सिंगर्स आर डांसर, बट सम सिंगर्स आर डांसर ना, तो ये कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग। सेकेंड अगर तुमने बोले ऑल डांसर्स आर सिंगर्स, ऑल डांसर्स आर सिंगर, क्या ये राइट है, ये भी क्या है रॉन्ग। क्या अपन ये बोल सकते हैं क्या एवरी डांसर इज अ सिंगर, नो। तो अल्टीमेटली से आपने क्या राइट कंक्लूजन पढ़ ली, आपने क्या पढ़ ली रॉन्ग कंक्लूजन। केस वन क्लियर हो गया, केस वन दिस इज द केस वन, अगर आपका ये क्लियर हो गया तो मैं आपको इसी के अंदर एक और चीज बताता हूं। जब सेकेंड स्टेटमेंट दी भी रहती है आपको, लेट्स से दिस फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, अब मैं आपको सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा हूं, जब भी ऐसा बोलाओ ऑल, आपकी स्टेटमेंट देखिएगा ऑल एक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट, ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट। जब भी आपको ऐसा बोला हो कि ऑल, तो जिसके पीछे ऑल आ जाता है वो छोटा होता है बेटा, और जो बाद में आता है वो क्या होता है बड़ा। तो ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट मतलब स्मार्ट एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसके अंदर क्या है एक्टर्स, उसके अंदर क्या है एक्टर्स, तो ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट। जिसके पहले ऑल आएगा तो बच्चा ये समझे, जिसके पहले ऑल आएगा मतलब वो छोटी चीज है, वो बड़े सर्कल के अंदर का पार्ट है, वो बड़े सर्कल के अंदर का पार्ट है। तो अगर मैं बोल रहा हूं ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट, ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट मतलब जितने भी एक्टर्स हैं वो क्या है स्मार्ट। सो व्हाट डज कंक्लूजंस आर, इसकी कंक्लूजन क्या है, पहली बात तो क्या ऐसा है क्या ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट, तो पहला कंक्लूजन क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या ऑल स्मार्ट आर एक्टर्स, ऑल स्मार्ट आर एक्टर्स, ना बेटा ये रॉन्ग कंक्लूजन है। क्या ये स्मार्ट है, क्या वो स्मार्ट है भाई बाहर वाले एरिया, क्या वो एक्टर है, नहीं। तो क्या होता है ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट, तो पहला कंक्लूजन बच्चे बोलते हैं कि ऑल स्मार्ट आर एक्टर्स, नहीं बेटा इसका मतलब पहला कंक्लूजन ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट मींस पहला कंक्लूजन होता है ऑल स्मार्ट आर नॉट एक्टर्स, ऑल स्मार्ट आर नॉट एक्टर्स।
ठीक है, ऑल एक्टर्स आर स्मार्ट, लेकिन इसको लिखते से ही दिल में आवाज आनी चाहिए, ऑल स्मार्ट आर नॉट एक्टर्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। सेकेंड, क्या ये बोल सकते हैं सम स्मार्ट, सम स्मार्ट आर एक्टर्स, हाँ कुछ स्मार्ट जो है वो क्या है एक्टर्स, सम स्मार्ट आर एक्टर्स, बोलो कि डॉक्टर रहता है। क्या तीसरा कंक्लूजन होता है सम स्मार्ट आर नॉट एक्टर्स, सम स्मार्ट आर ये कुछ स्मार्ट तो है बट आर नॉट एक्टर्स। तो आपको समझ में आया स्टेटमेंट क्या दी थी, कंक्लूजन क्या है, बोलो कि डॉक्टर नहीं आता। तो क्या इससे स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलोजिज्म्स क्या ये सब चीज चलती है, हाँ बोलो कि डॉक्टर नहीं आता। सेकेंड चीज क्लियर। अब मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन लगाता हूं कुछ ऐसा, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको देके रखा है तीन रिलेशन देके रखे, बुक्स लाइब्रेरी स्कूल, इसका सिलोजिज्म डायग्राम कैसे बनेगा, शायद सबसे पहले क्या आएगा स्कूल,